हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेटिक टेक और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रेरणा तलवार। और अगर आप बाइक्स के दीवाने हैं तो नया साल 2019 आपके लिए शानदार साबित होने वाला है, क्योंकि इस साल दमदार और शानदार बाइक्स की बहार लगने वाली है। 2019 में यामाहा, हीरो मोटोकॉर्प, KTM, कावासाकी और बजाज में होड़ मचने वाली है। ये सारी कंपनियां यूथ के लिए स्पेशल बाइक्स लॉन्च करने जा रही हैं। अगर आप भी रफ्तार के सौदागर हैं और आपको बाइक पर बैठकर हवा से बातें करने का शौक है, तो आपके लिए ये बाइक्स और खबर सबसे ज्यादा खास होने वाली है। इसीलिए आज हम आपके लिए लाए हैं 2019 में लॉन्च होने वाली बाइक्स के बारे में सारी जानकारी, जिसे सुनकर आप खुद इन्हें लेने पर मजबूर हो जाएंगे। KTM 390 एडवेंचर कंपनी 2019 में KTM एडवेंचर को लॉन्च करने वाली है। ये भारत में KTM एडवेंचर सीरीज की पहली बाइक होगी। इस बाइक में कंपनी 373cc का सिंगल सिलेंडर इंजन दे सकती है, जो 43 bhp की पावर के साथ 37 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है। KTM 390 एडवेंचर KTM 390 ड्यूक के प्लेटफॉर्म पर ही काम करेगी और उम्मीद लगाई जा रही कि कंपनी KTM एडवेंचर को साल के दूसरे हाफ में मार्केट में उतार सकती है। फिलहाल इसकी एक्स शोरूम कीमत है 3 लाख के करीब। यामाहा MT-03 साल 2019 में यामाहा कंपनी अपनी नई बाइक यामाहा MT-03 लॉन्च करेगी, जिसे भारतीय बाजार में 150cc के सेगमेंट में उतारना है। यामाहा की नई बाइक में 155cc का सिंगल सिलेंडर दिया गया है, जिसे 19.3 bhp का पावर और 15 Nm का टॉर्क जनरेट होगा। इसे कंपनी मार्केट में पहले से मौजूद बजाज पल्सर 200 और TVS अपाचे 200 को टक्कर देने के लिए उतार रही है। हीरो X प्लस 200T हीरो मोटोकॉर्प अपनी X प्लस की स्ट्रीट ओरिएंटेड टूरिंग वर्जन X प्लस 200T को जल्द लॉन्च कर सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि X प्लस 200T साल 2019 की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है। X प्लस 200T सस्पेंशन व्हील्स और इर्गोनॉमिक्स के मायने में X प्लस से अलग होगी। X प्लस 200T सस्पेंशन व्हील्स और इर्गोनॉमिक्स के मायने में X प्लस से अलग होगी। X प्लस 200T में पावर के लिए 198cc सिंगल सिलेंडर के साथ 2-वॉल्व इंजन दिया गया है, जो 18.1 bhp की मैक्सिमम पावर और 17.1 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा। इसके अलावा इसमें सिंगल चैनल ABS, रियर डिस्क ब्रेक, LED लाइट, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके साथ ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन फीचर भी मिलेगा। ये बाइक साल 2019 की पहली तिमाही में भारत में लॉन्च हो सकती है। कहा जा रहा है कि ये बाइक टूरिंग के लिए परफेक्ट होगी। कावासाकी Z400 कावासाकी ने अपनी 2019 Z400 नेकेड बाइक को इटली के EICMA शो में पेश किया था। नई कावासाकी Z400 निंजा 400 का ही वर्जन है, यानी अगर आप निंजा 400 से फेयरिंग, क्लिप ऑन हैंड बॉल्स और आक्रामक राइडिंग पोजीशन हटा दें, तो ये आपको Z400 जैसी लगेगी। नई Z400 मौजूदा Z300 को रिप्लेस करेगी और ये बाइक KTM 390 ड्यूक यामाहा MT-03 को कड़ी टक्कर भी देगी। निंजा की तरह ही कावासाकी Z400 में नई स्टील ट्रेल फ्रेम के साथ नया डेवलप इंजन दिया गया है। इसमें 399cc पैरेलल ट्वीन मोटर दिया गया है, जो 44 bhp की पावर और 38 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बाइक में लगा इंजन 6-speed गियरबॉक्स से लैस है। सुजुकी जिक्सर 250 सुजुकी जिक्सर भारत में कंपनी की काफी पॉपुलर बाइक है। अब कंपनी भारत में तेजी से बढ़ रहे सब 300cc सेगमेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए जिक्सर का नया वेरिएंट लॉन्च करने वाली है। कंपनी इस साल सुजुकी जिक्सर 250 को लॉन्च कर सकती है और सुजुकी जिक्सर 250 की टक्कर यामाहा FZ25, KTM ड्यूक 200, TVS अपाचे RTR 200 जैसी बाइक से होने वाली है। सुजुकी जिक्सर 250 नए सिंगल सिलेंडर 250cc इंजन के साथ लॉन्च की जाएगी। भारत में लॉन्च होने वाली जिक्सर 250 नेक्ड और फुली फेयर दोनों मॉडल में आ सकती है। इसकी स्टाइलिंग काफी हद तक इंटरनेशनल मार्केट जैसी होगी, हालांकि फीचर्स में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। नए सेफ्टी नॉर्म को देखते हुए नई बाइक में डुअल चैनल ABS मिल सकता है। इस साल आने वाली सभी बाइक्स एक से एक बढ़कर होने वाली हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि इन पांचों बाइक में से आपके लिए सबसे ज्यादा कौन सी बाइक बेस्ट और कंफर्टेबल है और आपके बजट में एकदम फिट भी बैठती है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल नेटिक टेक।